हेलो दोस्तों नमस्कार जी चुनीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी को लेकर बड़ी खबर क्या है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए सरकार को भेजा पत्र बीजेपी सरकार लेगी फैसला किसने पत्र भेजा है अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव जी हैं जो कि मोदी सरकार को एक पत्र लिख के भेजते हैं कि बीएड को शामिल करने के लिए चलिए उनको देखते हैं कि उनके पत्र में उन्होंने क्या लिखा है और किसकी मांग की है चलिए आपको बताते हैं दिनेश लाल यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं प, पत्रांक थ्री जीरो नाइन आब्लिक आजमगढ़ आज तेरह तारीख का है सेवा में मानव संसाधन विकास मंत्री जी भारत सरकार दिल्ली तो इन्होंने पत्र लिखा है मानव संसाधन विकास जिसे एन सी आर एन सी टी ई को उसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की है क्या करने के लिए भारत सरकार नई दिल्ली विषय बी एड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः योग करते हुए आगामी भर्तियों में शामिल करने के संदर्भ में विषय उन्होंने क्या दिया देख सकते हैं बीएड के लिए महोदय सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संलग्न पत्र प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है अतः आपसे अनुरोध है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को योग्यता की सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का उचित और आवश्यक दिशा निर्देश करने की कृपा करें आप देख सकते हो उसके बाद यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव तो उन्होंने कहने का मतलब कहा गया है कि देखिए आप अब सक आप जान सकते हैं जब से उच्चतम न्यायालय ग्यारह अगस्त से फैसला आया है तब से इसमें न्यायालय में कितने भी जा रहे हैं कोई प्रक्रिया नहीं हो रही कोई सुनवाई नहीं हो रही बार बार तारीखें जा रही याचिका जा रही है लेकिन सरकार चाहेगी तो बी शामिल हो जाएगी इसलिए सरकार मेन है सरकार चाहेगी अध्यादेश ला के को शामिल करा देगी यही बड़ी न्यूज़ थी अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें या सी टे सी टेट यू पी टेट या किसी भी टेट की तैयारी करना या शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस पर आपको अथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी चले वीडियो को पसंद आता है चैनल को